नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज नैनी एक्स डॉट कॉम। द न्यूज नैनी एक्स डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज कहानी हम कहेंगे बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री की जिनकी माथे से 5 साल की उम्र में ही माँ का साया उठ गया। कहते हैं ना, माँ तो किसी बच्चे के लिए दुनिया होती है, साया होती है, संबल होती है और प्रेरणा होती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ने की दिशा और ताकत देती है। माँ की ममता के लिए विलखते इस बालक ने अपने जीवन की बाधाओं को अभिमन्यु की चक्रव्यूह की तरह वेधते हुए एक बड़ा मुकाम पाया। उनकी कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। माँ की ममता के लिए तरसता बालक मायूसी के झंझावातों को झेलते हुए भारत के आज़ाद होने के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री बना। पूरे जीवन काल तक वह बालक मुख्यमंत्री बना रहा। उसका नाम है श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। यह कहानी बिहार के मुंगेर जिले से जुड़ी हुई है, जो मुंगेर आज लोकसभा चुनाव के समय राजनीतिक रसूखदारों का बैटल फील्ड बन गया है। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उनका पैतृक गांव मऊर है। यह गांव अभी शेखपुरा में है, मगर तत्कालीन मुंगेर जिला का ही अंग था। बिहार केसरी श्री बाबू का जन्म 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को उनके ननिहाल नवादा जिले के नरहट थाना अंतर्गत खनवा ग्राम में हुई थी। माँ की मृत्यु के बाद उनकी मायूसी बढ़ गई। उनका प्रारंभिक लालन पालन ननिहाल में ही हुआ। चूँकि श्री बाबू बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, उनके चेहरे से कुछ खास तेज दिखाई पड़ रहा था, इसलिए उन्हें उनका पैतृक गांव मऊर लाया गया। मऊर में ही उनकी प्रारंभिक स्कूल में नामांकन करवाया गया। शुरुआती दौर में यहां उनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन उनके पिता हरिहर प्रसाद सिंह ने बचपन में उन्हें ना सिर्फ पढ़ने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि भरपूर सहयोग भी किया। स्कूल के शिक्षक से अक्सर उनके पिता मिलते थे और सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान रखने का आग्रह करते थे। शिक्षकों ने भी उन्हें इतना प्यार दिया कि श्री बाबू सब कुछ भूलकर पढ़ाई में जुट गए। कहते हैं ना कि माँ के बिना किसी भी बच्चे की जिंदगी अधूरी होती है। प्राइमरी स्कूल से वे जो पढ़ाई में भिड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। कड़ी मेहनत और तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर उन्होंने छात्रवृत्ति भी ली और हाई स्कूल की शिक्षा अपने बल पर पूरा किया। इनका रिजल्ट देखकर इनके सारे रिश्तेदार एवं नातेदार काफ़ी खुश हुए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1906 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में पटना कॉलेज के स्टूडेंट बने। वहीं से 1913 ईस्वी में एमए की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखा और 1914 में लॉ की डिग्री प्राप्त की। लॉ की डिग्री लेने के बाद 1915 में उन्होंने मुंगेर से ही वकालत शुरू की। वकालत की पेशा में भी इन्होंने काफ़ी शोहरत कमाया। श्री बाबू छात्र जीवन से ही देश और समाज के बारे में चिंतनशील रहा करते थे। कहते हैं श्री बाबू लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से काफ़ी प्रभावित थे। वर्ष 1911 ईस्वी में ही उनकी मुलाकात पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी से हुई। उनके विचारों और देश प्रेम को देखकर श्री बाबू महात्मा गांधी के मुरीद हो गए। देश को आज़ाद कराने की ज्वाला श्री बाबू के दिल में उसी समय से धधकने लगी। उसी समय से वे गांधी के सच्चे अनुयायी बन गए।
उन्होंने भी सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया और आज़ादी के क्रांति में कूद पड़े। इस बीच उन्होंने वकालत की पेशा छोड़ दी और देश को आज़ाद कराने की ठान ली। ब्रिटेन के युवराज प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार में श्री बाबू की अहम भूमिका थी। इसी कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। इसके बाद श्री बाबू सन 1917 में लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सन 1934 में केंद्रीय असेंबली के सदस्य मनोनीत किए गए। उनकी राजनीतिक पहचान देश में उत्तरोत्तर बनती चली गई। यहाँ आपको बता दें कि जब देश में स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई तो बिहार में श्री बाबू प्रधानमंत्री पद पर 1 अप्रैल 1937 में काबिज हुए। यानी स्वायत्त शासन के दौरान वे बिहार के प्रधानमंत्री थे। उन दिनों स्वायत्त शासन को चलाने के लिए प्रधानमंत्री का पद ही ईजाद किया गया था। उनका इंतकाल 31 जनवरी 1961 को हो गया। यहाँ बता देना जरूरी है कि श्री बाबू बिहार का 15 साल मुख्यमंत्री रहे और 9 साल स्वायत्त शासन में बिहार का प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। वे जीवन पर्यंत बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था तब मुख्यमंत्री पद के लिए उनके प्रतिद्वंदी बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह थे। लेकिन उस समय की राजनीति का ढांचा ऐसा था कि श्री बाबू को मुख्यमंत्री और अनुग्रह बाबू को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों के अथक प्रयास से बिहार को एक नई दिशा मिली। श्री बाबू का देश और समाज के प्रति योगदान की कहानी अनंत है। खास करके बिहार में उनकी कहानी अनेकों है। श्री बाबू भूमिहार जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। हालांकि उस समय उन्हें इस मामले को लेकर काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत और समाज के गरीबों के प्रति प्रेम से कोई समझौता नहीं किया। गरीबों के लिए जमीन की अस्थाई बंदोबस्ती का प्रावधान श्री बाबू ने ही शुरू किया था। उन्होंने ही पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में स्कॉलरशिप का प्रावधान लागू किया। श्री बाबू ही थे जिन्होंने बाबा धाम जैसे धार्मिक स्थल पर दलितों का प्रवेश कराया था। उस समय इन्हें वहाँ के पंडों का कोपभाजन बनना पड़ा था। फिर भी श्री बाबू पीछे नहीं हटे। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि श्री बाबू ने अपने जमाने में बिहार को देश के पैमाने पर रोल मॉडल बना दिया। हम आपको इतिहास इसलिए दोहरा रहे हैं कि अपने इतिहास को जानिए और अपना महत्व समझिए। श्री बाबू की तरह देश और समाज को नई दिशा देने में एक कदम आप भी आगे बढ़ाइए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब